हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तारा और आज मैं आपके साथ एक क्रीम का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। तो जिस क्रीम का आज मैं आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूं वो क्रीम है वैनिश। तो ये कोई कॉस्मेटिक क्रीम नहीं है ये। तो अब रिव्यू मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आई थी, ये मैंने रखी नहीं थी क्योंकि मुझे रिव्यू का कोई था नहीं कि मुझे रिव्यू करना है। और इसका प्राइस 135 रुपये। वैनिश नाम है, डब्ल्यू वाला वैनिश है, कपड़े धोने वाला वैनिश नहीं है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है रिहाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है, रिजुविनेट करती है आपकी स्किन को। और बैक में काफी कुछ मेंशन किया गया है। तो बेसिकली ये जो आपकी स्किन जो पे रैशेस हो जाती हैं और स्कार्स हो जाते हैं, पिंपल्स के स्कार्स हो जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स के स्कार्स के लिए भी इसके ऊपर मेंशन किया गया, बट मैं फेस के लिए लेके आई थी। इंग्रेडिएंट की बात करें तो काफी कुछ मेंशन किया गया है जो भी नाम होते हैं, बट इसके अंदर पैराबिन है, प्रोपाइल पैराबिन और मिथाइल पैराबिन है। तो कहते हैं कि ज्यादा टाइम तक पैराबिन यूज नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को पैराबिन से दिक्कत है तो वो ये क्रीम को ना लें। तो इसका जो वेट है वो है 25 ग्राम और ये 135 की मिलती है। 3 साल की इसके ऊपर आपको मैन्युफैक्चर डेट मिल जाएगी। इसको लगाने का तरीका एकदम इजी है। मैंने अभी फेस पे यही लगाया हुआ है। मैंने किसी तरीके का कोई भी मेकअप अभी मैंने यूज नहीं किया, कुछ भी, सिर्फ लिपस्टिक वेयर किया और मैंने अभी फिलहाल कुछ भी नहीं फेस पे लगाया हुआ। तो आप सोच सकते हो कि मैं इसको लगाने के बाद वीडियो बना सकती हूँ, तो आप इसको लगाने के बाद बाहर भी जा सकते हो। ये हल्की सी येलो शेड में आएगी और ये देखिए लाइट येलो शेड में आएगी। और इसको सिंपली नहीं अप्लाई करना, इसको न्यू थोड़ी देर तक स्किन पे ऐसे मसाज करना है। इजीली अब्सॉर्ब नहीं होगी, लेकिन कुछ सेकंड्स में अब्सॉर्ब हो जाएगी। और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। ऐसा नहीं है कि जब आप लगाते हो और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, आप कोई भी क्रीम लगाने के बाद बाहर नहीं जा सकते हो, तो इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको लगाने के बाद बाहर जा सकते हो। इवन ये आपकी स्किन को एक ग्लो प्रोवाइड करती है। और इसको एक दिन में 2 बारी आप यूज कर सकते हो, डे में भी यूज कर सकते हो, नाइट में भी यूज कर सकते हो। मैं नहाने के बाद इसी को ही यूज करती हूँ, कोई मैं क्रीम नहीं लगाती। और इसके वर्क की बात करूं तो ये फायदा किया कि नहीं किया, तो मैं इसको अभी मेरी पूरी क्रीम फिनिश भी नहीं हुई है, बट मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फर्क पड़ा है। क्योंकि ये वाली क्रीम जो है एकदम इफेक्ट नहीं करती। आप सोचो मैंने 1-2 बार क्रीम लगा ली, असर नहीं हो रहा या एक ट्यूब खत्म कर दी। तो थोड़ा हमें सब्र रखना होता है किसी भी चीज के लिए। तो गाइज ये था आज का रिव्यू, बट मैं आपको अगेन कह रही हूं कि अगर आप इस तरीके की कोई भी क्रीम यूज करते हैं तो वीडियो देखने के बाद ना करें, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।